अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलने के बाद जिला प्रशासन ने संक्रमित सुअरों का जहां इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया था, वहीं पशुपालकों के सैकड़ों जानवर असमय काल के गाल में समा गए थे। प्रशासन ने उस समय उचित मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया और कई ऐसे पशुपालक हैं जिन्हें एक भी मुआवजा नहीं मिला। बसोर समाज को बांस न मिलने के चलते मुख्य व्यवसाय सुअर पालन है, उनको भी मार दिए जाने से इन दिनों भूखे मरने की कगार पर पहुंच गया है। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने विगत एक माह से अधिक समय से धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन पहले ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा था। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के शासकीय आवास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी पशुपालक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिले और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने समाज के लोगों का ज्ञापन लेते हुए आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यथासंभव ज्यादा से ज्यादा मदद करवाने का पत्र लिखेंगे। समाज के लोग हैं, ये थोड़ा सा और बहुत सारे सुअरों को इंजेक्शन से प्रशासन ने सूट करा दिया। प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया कि जिनको सूट कराया गया है उनको पर कुंटल पर जो है 15,000 रुपये दिया जाएगा। ये मीडिया में भी आया, लेकिन उनको भी नहीं, उनको 15,000 नहीं दिया गया। और इसके बाद बहुत सुअरों को सूट कराया गया, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। और इसके बाद जो भी बीमारी से मर गए तो प्रशासन ने कहा हम मुआवजा देंगे। 13 सितंबर को हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब को भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे, फिर हम सर्वे कराएंगे। अभी तक उन्होंने ना कुछ सर्वे कराया कलेक्टर मुआवजा जी, तो अभी तक और 34 दिन से कलेक्ट्रेट के समक्ष ये सब पड़ाव में पड़े हुए हैं, वहीं डेरा जमाए, रात दिन वहीं पर रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं, ये समस्या है। ये हम ज्ञापन ले लेता हूँ जी, मैं सीधे मुख्यमंत्री से बात करूँगा, एक पत्र भी बना देता हूँ, काफ़ी आपको जी जी यही कर सकता हूँ। हाँ जी ठीक है ना, देखते क्या हो सकता है। अब आपके जिले का मैं करप जाऊँगा, अब आपके जिले का मैटर है। हाँ नहीं, हम करते हैं। अब चूँकि कुछ ऐसी बातें हैं स्थानीय पूर्व मंत्री जी ने कहा है, पर हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं, पूरे जिले में बसोर समाज है, जिले का चाहिए। और उनका ये कहना था कि हम रीवा विधानसभा का जानते हैं, हमने कहा ऐसे बात रीवा में दिलवा दिया ना तो अपने यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, रीवा विधानसभा जानते हैं, लेकिन जब मंत्री बनना हो तो छात्र सोचते हैं कि था आप ही आप लोग गलत कर रहे हैं, जिले का लेना चाहिए उनको। नहीं, आपको गलत कर रहे हैं, जिले का लेना, आप ही गलत, पूरे जिले के लोग नहीं, क्यों जिले का, आप जिला का दिलवा दे तो अपने यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। हमने 4 को दिलवा दिया था, एक आधार बन जाएगा। पर उनका ये कहना है कि 2,500 रुपया हमारे बजट में एक व्यक्ति को है, और सुअर की कीमत एक कुंटल में 15,000 से 20,000 रुपया है, तो 2,500 में क्या करेंगे वो लोग। नहीं, वो कितना दिलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं 2,500 आएगा तो कुछ रीवा के लिए, तो कहीं इतना लेके आंदोलन खत्म कर दो, गाँव के लोग क्या करेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर।
हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।